अबे हाथ तोड़ दिया, ऊपर से नाटक कर रही है। मेरे को बेवकूफ समझ रहे हो तुम? तो हाथ तोड़ा, वीडियो नहीं बना हुआ है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अश्विन यादव ब्लॉग्स, और मैं हूं आपका दोस्त अश्विन यादव। तो कैसे हो गाइस? आप में से काफी सारे लोगों के मुझे मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, स्नैपचैट पे, हर जगह पे कि भैया हाथ पे क्या होगा, हाथ कैसे तोड़वा लिया। काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि लड़की ने मार दिया, लड़की ने हाथ तोड़ दिया, कोई बोल रहा है एक्सीडेंट हो गया, कोई बोल रहा है किसी झगड़े में मार दिया, या फिर कैसे भी करके हाथ तोड़ लिया है, नाटक कर रहा है। मतलब कुछ कुछ सवाल है लोगों के जिनका मैं आज जवाब दूंगा फाइनली। और तो गाइस, ये जो पट्टा है मुझे चढ़ा था 1 तारीख को, और आज तारीख हो गई है 20, मतलब 20 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। इस बीच में मेरे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आई है और काफ़ी सारे लोगों के चेहरे भी देखने को मिले, और ये भी मालूम पड़ा कि जब मुश्किल की घड़ी आती है तब कौन साथ होता है और कौन नहीं साथ होता है। और घर पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया मैंने मम्मी और मतलब पापा के साथ घर पे, तो सब कुछ जाना मैंने, और मैंने ये भी जाना कि कौन क्रिएटर्स जो है वो मेरा साथ है और कौन नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को देखा, इंस्टाग्राम मेरा पूरा डाउन हो चुका था, यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली थी 15-20 दिन, तो हो चुके हैं पूरे 20 दिन, और मुझे मालूम पड़ चुका है कि इस बीच मेरे साथ कौन था कौन नहीं था। काफ़ी सारे लोग ये बोलने लगे कि भैया अब छोड़ दे, 20-25 दिन तक तो गया, कुछ काम धंधा है नहीं ऐसा सा, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता रहा मैं, टूटे हुए हाथ में भी डालता रहा, कोई दिक्कत नहीं। और भगवान की ऐसी दया थी महाकाल की कि जो वीडियो डाली थी उसमें से एक 10 मिलियन जा चुकी है, 2 मिलियन 3 मिलियन, मतलब काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। और YouTube पे भी जो मेरा शॉर्ट्स का चैनल है उस पर भी काफी बढ़िया रिस्पॉन्स है, ऐसा नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा सबसे कि भैया हार वार नहीं मानना चाहिए, और बाकी ये सब बातें छोड़ो, और अब बताने वाला हूं कि हाथ कैसे टूटा। तो मेरा हाथ तोड़ा है एक लड़की ने, जिसके पास मैं अभी आपको ले जाऊंगा, उसकी वजह से मेरा हाथ टूटा है, मैं आपको उसके बाद ले जाऊंगा, ठीक है, बने रहो मेरे साथ ब्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं उनके पास जिन्होंने मेरा हाथ तोड़ा है, मुझे जो तोहफा दिया है 25 दिन का, अभी उनको जाके बताते हैं, मतलब उनका चेहरा आपको बताते हैं कि किन की वजह से मेरा हाथ टूटा है, किन लड़कियों की वजह से मेरा हाथ टूटा है। और 25 दिन तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया मैंने, पिछले 25 दिन तक मेरा भाई गाड़ी चला रहा है, ठोकी नहीं इसने अभी तक। और जो पीछे और प्रिंस और पीछे वाले जो भाई बेटा अंकित, इन्होंने मुझे बहुत जूते पहनाए हैं, मतलब कि और क्योंकि मेरे को जूते वूते कपड़े वपड़े पहनने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इन्होंने ही मेरी मदद करी है। काफ़ी अच्छे मेरे भाई है दोनों के दोनों, देखो इनकी शक्ल, और पीछे वो बैठा है गरीबों का पुष्पा। बुरे वक्त में ही आपको पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो ये जो 25 दिन मेरे गुजरे हैं, मतलब अभी तो 20 दिन गुजरे, अभी 5 दिन और गुजरेंगे, तो जो भी दिन गुजरे हैं उनमें मुझे ये जरूर मालूम पड़ गया है कि कौन मेरा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मदद भी करी, काफ़ी खुश भी हो गए कि भैया हाथ टूट गया, घर बैठ जाएगा आराम से 20-25 दिन। बाकी ऐसा कहाँ होता है भाई, हमको ही रुकने वाले हैं क्या, क्या बोलता है? सही बोला ब्रो, अभी तो मचाएंगे ना, अभी तो मचाएंगे फुल, हाथ टूटे हुए भी मचाएंगे, पाव टूटेगा तो भी मचाएंगे, ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं किसी को। इंदौर में हमको दिख रही है गरीबों की लैम्बोर्गिनी, कि क्या पता असली लैम्बोर्गिनी है ये, लैम्बोर्गिनी असली है भाई, असली है, कॉपी दिख रही है, क्या बात कर रहे हैं, कॉपी है शायद, ये नकली लैम्बोर्गिनी है कि असली लैम्बोर्गिनी है, वो घड़ी है लैम्बोर्गिनी लाइट, मतलब कि वो लैम्बोर्गिनी नहीं है असली, वो उसको बनाई गई है, बाकी भाई ने काफी अच्छी मेहनत करी यार, एकदम असली दिख रही है वो। सो गाइज, वो बैठी है वो इतने आराम से, मतलब किसी का कोई हाथ तोड़ के इतना चिल कैसे बैठ सकता है इतना आराम से यार, मतलब मेरे को 25 दिन का आराम लगवा दिया है, बस एक छोटी सी बात बोली थी मैंने कि तू खेवड़ी है, और ये मेरा हाथ का हाथ आप देख ही चुके हो। तो गाइस, मुझे काफ़ी बुरा भी लग रहा है कि एक लड़की से हाथ तोड़वा के बैठा हूँ मैं, लेकिन अभी आपको मैं मिलाता हूँ उससे। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, किसी का हाथ तोड़ के इतना आराम से कैसे बैठ सकती थी, मेरे पे इल्जाम लगा सकते कैसे बैठ सकती थी आराम से, देखो शर्म नहीं, चलो शर्म नहीं, मेरे को सब पता जाता है तू कहाँ पे ना, हाथ तोड़वा के बैठ गई है 25 दिन का, वो लगवा दिया, देखो इसकी शक्ल देखो एक बार,
हाथ तोड़ दिया तूने मेरा, नौटंकी कर रही है। मैं चाटा मार दूंगा। मार के दिखा। ऐसे हाथ तोड़ा है आपने हाथ। अरे मैंने नहीं तोड़ा है। तूने तोड़ा हाथ। ये वीडियो के बना रहा पहली बार तो बताऊंगा ना लोगों को दिखना चाहिए कि किसने मेरा हाथ तोड़ा 25 दिन का। मजाक चल रहा है। क्या चल रहा है सीरियस है क्या? घर जाना है चाबी नहीं देना। अबे मजाक कर रहे थे। ओए अरे सुन तो भरी बात। अबे मजाक कर रहे थे, व्लॉग बन रहा है, पागल है क्या तू? गाइस मजाक के चक्कर में वो सीरियस हो गई और सच में बुरा मान के चले गई है कार से। तो वैसे मैं मजाक कर रहा था गाइस, मेरा जो हाथ है वो कुछ इस तरीके से टूटा कि मैं इस कार में बैठा था राइट साइड पे। तो जैसे अपन अंगड़ाई लेते हैं, वैसे ये काफी लोग ये कहानी पे भरोसा तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे अपन अंगड़ाई लेते हैं तो कैसे अपना हाथ हल्का सा बाहर करते हैं। कार मतलब रोड के साइड में लगा के रखी थी मैंने, ऐसा करके मैंने हाथ हल्का सा बाहर करा, मतलब ऐसी मस्ती मजाक में। और पीछे से एक गाड़ी आई जो कि बहुत फास्ट थी, तो वो भी हेरियरी थी, और पीछे से वो मेरे हाथ पे हल्का सा मार के चले गया। मेरे को हल्का सा यहाँ पे माइनर फ्रैक्चर है यहाँ पे, और मैंने पूरा लिख के भी रखा है, देख लो क्या क्या है इसमें। रास्ते जा रहा था, हाथ में सिगरेट थी, पीछे गाड़ी वाला आया और ठोक के चले गया। ये तो सिगरेट तो मैंने कंटेंट के लिए लिखा था, ऐसा आप समझना मत कि सिगरेट गिरेट, ठीक है? और ये पीछे लिख के रखा है, अब मत पूछना। ठीक है गाइस, तो ऐसी कुछ स्टोरी नहीं थी, वे तो हम लोग सब मजाक कर रहे थे ताकि हम ब्लॉग को आगे बढ़ा सके और भी लंबा कर सके। ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन काफी कुछ सीखने को मिला मेरे को पिछले कुछ दिनों में कि कौन अपना होता है, कौन पराया होता है, और ये जो इंस्टा वगैरह की दोस्ती है वो कहाँ काम आती है, और जो रियल लाइफ के फ्रेंड्स होते हैं वो कब काम में आते हैं, सारी चीज़ें मेरे को समझ में आने लगी। इसी बीच में मम्मी ने काफ़ी हेल्प की मेरे को, मेरे दोस्तों ने काफ़ी हेल्प की, क्योंकि तुमको पता ही है अभी हाथ तो काम कर नहीं रहा था, और मैं पिछले मतलब कि 20 दिनों से एक जोड़ कपड़े पे ही हूँ जो कि यही है, क्योंकि मतलब 2-3 टी शर्ट है मेरे पास, वो हाफ हाफ ही, बाकी मेरे को फुल शर्ट तो आई नहीं रहते, क्योंकि ये हाथ ही पूरा इतना बड़ा है कि मेरे को कोई से भी कपड़े पहन ही नहीं पा रहा था मैं, तो उसी की वजह से यही कपड़ों पे मैंने 20 दिन गुजारे हैं। कम से कम 10-15 दिन तक नहाया भी नहीं, ओके। मम्मी ने नहलाया मेरे को, सबसे बड़ी बात तो मम्मी ने नहलाया जब मैं वहाँ पे घर पे था इंदौरा, तब से तो मैं 2-3 दिन 4-5 दिन मतलब नहाते ही, कैसे नहाऊंगा यार, वो हाथ पूरा गीला हो जाएगा तो दिक्कत है, और डॉक्टर ने मना वना करके रखा था, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम झेली है, लेकिन आफ्टर ऑल सब कुछ ठीक हो चुका है। और आपको अभी नए तरीके से एंटरटेन करेंगे ब्लॉग के जरिए और शॉर्ट्स के जरिए, और शॉर्ट्स का एक और चीज़ गाइस, अपने शॉर्ट्स के चैनल के 1 मिलियन हो चुके हैं, और वहाँ पे सिल्वर प्ले बटन भी आ चुकी है, गोल्डन भी आने वाली है, तो उन सभी का ब्लॉग भी मैं बनाऊंगा और आप सभी को दिखाऊंगा। बाकी थैंक यू सो मच आप सबका, इतना प्यार मोहब्बत जो आपने दिए इन दिनों में, काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रेडी रहना।